जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस भी है क्योंकि अभी टेररिस्ट का टारगेट जम्मू है। कश्मीर से उठ करके अभी वो लोग जम्मू में आ चुके हैं। अटैक का शुरुआत हुआ सिविलियन से, जो श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे उनके बस के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद डोडा में हुआ, उसके बाद कठुआ में हुआ, उसके बाद गंढोह करके एक जगह है वहाँ पर हुआ। भारत में नया सरकार बनने के बाद चारों तरफ से टेररिस्ट अटैक होने के खबर आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं पूरे सारे घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि डायरेक्ट आकर के वीडियो बना देना मेरा काम नहीं है। ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है और इसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत बारीक तरीके से एनालाइज़ किया। मेरे कुछ गुरुजीज हैं जो मेरे बहुत ऊपर हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी में, उनके साथ में मैंने बातचीत किया और अंत में जाकर के जो कंक्लूजन में मैं पहुंचा, वही कंक्लूजन आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बड़े खुले माइंड से और ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर आपके दिल और दिमाग में सच सुनने की हिम्मत और ताकत है तभी इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहली चीज़ है, थोड़ा डेट को देख लेते हैं किस वक्त पर कहाँ पर अटैक हुआ। फर्स्ट अटैक 9 जून को होता है श्रद्धालुओं के ऊपर, वैष्णो देवी जाने वाले बस के ऊपर हमला होता है जहां पर 10-11 लोग मर जाते हैं और उसके साथ में 33 से लेकर के 40 लोग घायल हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद 11-12 जून को डोडा में हमला होता है इंडियन आर्मी के ऊपर, 11 जून को कठुआ में हमला होता है, कई सारे CRPF जवान इंडियन आर्मी के पर्सनल जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने खोया, कई सारे घायल हुए। हालांकि कई सारे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर ठोका भी गया है लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। वैष्णो देवी के बस के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाला था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि AK-47 से फायरिंग हुई है, जबकि मैं उस वीडियो पर गलत था क्योंकि मेरा अंदाज़ा इतना था कि जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा AK-47 हथियार होंगे क्योंकि वही इतने दिनों से वो इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब खबर निकल करके आई कि सभी जगह पर जो हमला हुआ वहाँ पर जो गन्स इस्तेमाल किए गए टेररिस्ट के द्वारा, वो M4 कार्बाइन था। यहाँ पर जो M4 कार्बाइन है ये एक स्मॉल हथियार है, छोटा वेपन है और ये एक अमेरिकन बेस्ड वेपन है। ये ऐसा खतरनाक एक्यूरेट और एडवांस वेपन है जो कई देशों के स्पेशल फोर्सेस इस वेपन को इस्तेमाल करता है और जो पाकिस्तान का स्पेशल फोर्सेस हैं SSG वो भी M4 कार्बाइन इस्तेमाल करता है। बात ऐसी नहीं है कि AK-47 से M4 कार्बाइन ज़्यादा घातक है, ऐसा नहीं है। AK-47 इज़ अ फंटास्टिक वेपन, बहुत खतरनाक वेपन है, एक एक गोली से बच पाना नामुमकिन सा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है फंडिंग और एक्सपेंसेस की। जो M4 कार्बाइन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक M4 कार्बाइन का जो कॉस्ट है उसमें 3 से 5 AK-47 आ जाएंगे, डिपेंड करता है आप किस कंट्री से मंगा रहे हो। तो इतने एक्सपेंसिव और एडवांस हथियार टेररिस्ट के पास में आए कहाँ से, किसने दिया इसको? ये कोई चॉकलेट तो है नहीं कि किसी पर भी किसी को भी बांट रहे हैं। तरह सोचिए, हमारे जम्मू में जो अटैक्स हो रहे हैं ये एक दिन का अटैक नहीं है। जो आपको दिख रहा है कि पिछले 4-5 दिनों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, ये एक दिन का अटैक नहीं है। इसकी प्री प्लानिंग कई महीनों से चलती हुई आ रही है। लोग आ रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लोग प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जिट की प्लानिंग कर रहे हैं, एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं, कब कहाँ पर किस वक्त पर अटैक होगा, किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट किया जाएगा, ये सभी प्लानिंग कई महीनों से चलता हुआ आ रहा है। पिछले 35 सालों से इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरा स्पेशल फोर्सेस, इन सभी ने मिलकर के हज़ारों के तादाद में टेररिस्ट को ठोका है। अभी तक पिछले 35 सालों से ठोकते हुए आ रहे हैं और आने वाले 50 साल तक भी अगर इंडियन आर्मी ठोकता रहे फिर भी ये आतंकवादी कम नहीं होंगे। आप 1000 को मारोगे वो फिर से 1000 पैदा कर लेंगे, अब 2000 को मारोगे वो फिर से 2000 पैदा कर लेंगे। कितने उम्र के होते हैं ये टेररिस्ट? 16, 17, 18, 20, 25 साल की उम्र के बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, ऑटोमेटिक राइफल थमा दिया जाता है और कहता है ठोको जा करके मारो, मरोगे तो तुमको जन्नत मिलेगा। उस बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसको ऐसा तैयार किया जाता है कि वो मरने के लिए भी तैयार होता है क्योंकि उसको लगता है कि मरने के बाद की ज़िंदगी कुछ ऐसी होगी, हुरपरियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, हम जन्नत जाएंगे। और ये जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमले हो रहे हैं इसका सोल्यूशन मैंने आज से 6-7 महीने पहले दे दिया था। मैंने 6-7 महीने पहले ही ये कहा था कि आप पेड़ के पत्ते काट रहे हैं, हम लोग एक पेड़ है आतंकवाद नाम का, उसमें जो पत्ते लगे हुए हैं हम लोग वो काट रहे हैं, 1000 पत्ते काटेंगे फिर से 1000 पत्ते उग जाएंगे, हमें उस पेड़ को जड़ से ख़त्म करना है,
और जड़ से ख़त्म वो पिड़ तब होगा जब इंडियन आर्मी एलओसी को पार करके पीओके में घुसेंगे और ठोकना शुरू करेंगे उनके लॉन्च पैड के ऊपर, ठोकना शुरू करेंगे उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी आर्मी को। अब ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ पर कहाँ से आ गई। यहीं पर तो प्रॉब्लम है सर, जब पाकिस्तानी फ़ौज आतंकवादियों का खुलेआम सपोर्ट करता है, उसको एलओसी पार करने के लिए कवर फायर तक देता है, तब भी हम चुप बैठे रहते हैं। भारत वेट करता है कि कब हमारे ऊपर हमला होगा, तब जा करके हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तब जा करके हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस तरीके से काम नहीं बनेगा, भारत को डिफेंसिव मोड को छोड़ करके ऑफेंसिव मोड, एग्रेसिव मोड में जाना पड़ेगा। एक आतंकवादी की क्या वैल्यू है भाई? कुछ वैल्यू नहीं है। वो दो कौड़ी का आदमी नहीं है, वो कुछ नहीं है वो इस देश के लिए। वो कहीं पर भी रहे दुनिया में वो बोझ है आतंकवादी, वो इस दुनिया पर बोझ है, वो भार है। वो मरे जितनी जल्दी उतनी जल्दी इस दुनिया को शांति मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के फौजियों की आप क्या कीमत लगाओगे? वो बंदा इतने सालों से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है, सरकार ने उसके पीछे इतना पैसा खर्च किया है, उसको तैयार बनाया है, और ये दो कौड़ी के आतंकवादी आते हैं सोते हुए, उनको मारते हैं, कैंप के ऊपर अचानक हमला करते हैं, इस तरीके से उसकी जान चली जाती है। इट्स नॉट अ वॉर सिचुएशन, वॉर नहीं हो रहा है यहाँ पर कि सामने वाला लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, उनके पास में भी हथियार है, हमारे पास में भी हथियार है, हम तैयार हैं, ये सिचुएशन नहीं है आतंकवादियों के साथ में। अब देखिए, मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के बाद इतने सारे घटनाएं हो रही है, और कुछ दिन पहले अमित शाह जी कह रहे थे कि इंडियन आर्मी को हटा देंगे हम जम्मू कश्मीर से, और इसका प्लानिंग चल रहा है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे हटाओगे यहाँ से? अगर इंडियन आर्मी को हटा दिया जाए फिर जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी कंट्रोल ही नहीं रहेगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ डर का माहौल बन रहा है, डर का माहौल बन रहा है भाई। अब सोचो, आप जिस मोहल्ले पर रहते हो वहाँ पर निहत्ते लोगों के ऊपर M4 कार्बाइन से फायरिंग की जाती है, आप कितने दिन उस मोहल्ले पर रह पाओगे? आप कितने दिन वहाँ पर शांति से रह पाओगे? आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन इन सभी के लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, इन सभी के लिए आपको प्रॉपर शांति चाहिए, पीस चाहिए, जो आपका हक है इस देश में। वो हक जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है, उनको टेररिस्ट के गोलियों के साथ में डर डर के जिंदा रहना पड़ रहा है, जो कि ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं है। मैं इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि अब हमें डिफेंसिव मोड पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तानी फौज जो खुलेआम टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, पाकिस्तानी फौज अगर टेररिस्ट को ठोकने के रास्ते पर आता है तो पाकिस्तानी फौज को भी ठोको, वर्दी के ऊपर भी फायरिंग चलाओ, और टेररिस्ट समेत टेररिस्ट को ठोकने वालों के बीच में आने वाले पाकिस्तानी फौजियों की इतनी बद से बदतर हालत बनाओ कि लोगों के दिल में खौफ पैदा हो, दुश्मन के दिल में डर पैदा हो। जब तक दुश्मन के दिल में डर पैदा नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। दुश्मन और टेररिस्ट के दिल और दिमाग में इतना डर पैदा करना होगा कि 16, 17, 18 साल की उम्र के बच्चों के हाथ में जब बंदूक थमाया जाएगा तो उसके दिल में डर पैदा हो कि आने वाले समय में मेरे साथ में भी ये हो सकता है, मेरे घर में घुस करके ये ठोकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उरी में हमले के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अगर पैरास्पेशल फोर्सेस के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा वो सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटैक से पहले कर दी जाती पीओके में घुस करके, फिर उरी जैसे अटैक हमें देखने को नहीं मिलता और कई सारे सिपाही हम बचा लेते। हमें आगे बढ़ करके अटैक करना होगा, इंडिया का जो पॉलिसी है उसको तोड़ना पड़ेगा कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब हमें पता है कि सामने वाला हमें मारने के लिए आ रहा है, सामने वाला हमको ठोकेगा, वो तैयारी कर रहा है भाई, हम घर में बैठे रहेंगे कि कब हमें कंटाप पड़ेगा तब हम जाएंगे? तब तक तो हमारे घर में घुस करके नुकसान करके चला जाएगा भाई वो टेररिस्ट। यही चीज़ हो रहा है, टेररिस्ट हमारे घर में घुसे, उससे पहले हमें टेररिस्ट के घर में घुसना है। देखिए, ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक सोल्यूशन है जो मैंने इंडियन गवर्नमेंट को देने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करो, हम जाकर के कमेंट बॉक्स में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।